नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मैं आपको बताऊंगी किस तरह गाजियाबाद में रील बनाना एक लड़की की जान पर पड़ गया भारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। पाकिस्तान की एक महिला से शादी रचाने वाले राजस्थान के एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूरी खबर आगे आपको विस्तार से। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। कहां पर 11 साल तक जूते को लेकर जंग छिड़ी है, वो खबर भी विस्तार से आपको बताएंगे। सोशल मीडिया में रील बनाने की होड़ सी मची है। बीते दिनों हुए रील बनाने के दौरान हादसों के बाद भी कोई सबक नहीं ले रहा, ऐसी घटना गाजियाबाद में भी हो गई। यहां पर एक छठी मंजिल से 11वीं की एक छात्रा रील बनाते वक्त गिर गई, जो कि गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। सोशल मीडिया में रील बनाने का नशा जाने अनजाने हादसों को दावत दे रहा है। हाल ही में सेल्फी और रील बनाने की कोशिश में कई जाने जा चुकी हैं, कई लोग बुरी तरह घायल हो चुके हैं, किसी को तो हाथ और पैर तक गंवाने पड़े हैं। लेकिन फिर भी लोग हैं कि जानलेवा खतरे के पास जा रहे हैं। गाजियाबाद में एक बार फिर रील बनाने के साइड इफेक्ट्स दिख गए, जहां 11वीं क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की सोसाइटी की छठी मंजिल से नीचे गिर गई। रील बनाते वक्त उसके साथ बड़ा हादसा हो गया। अगर उसे वक्त पर मदद न मिलती तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन अभी लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वो गंभीर रूप से घायल है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। किसी को समझ ही नहीं आया कि लड़की अचानक कैसे गिरी। चश्मदीदों के मुताबिक वो जमीन पर एक बड़े से गमले में गिरी। अगर वो सीधे जमीन पर गिरती तो उसकी जान भी जा सकती थी। हादसे के बाद मौके पर लोग जमा हो गए और उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई। लड़की खुद एम्बुलेंस बुलाने की बात कह रही थी। अरे भाई कोई गाड़ी, अरे गाड़ी मंगवा दो, मिनट में तो यार गाड़ी मंगवा, गाड़ी नहीं है किसी की। ये गिरी कैसे, मेरे को पता नहीं। हे मालिक, हे भगवान, अरे तो ऊपर कपड़ा डाल दे। कोई गाड़ी को बुलाओ यार, किसी को। अरे किसी की गाड़ी यार, भाई इसमें ले चलो ना, दो मिनट। एक लड़की गिर गई है छत पे, तो गिर गई है ये गाड़ी में ले चलो, फिर और कोई ऑप्शन नहीं। ये फ्लैट के रहिए, कोई जल्दी से हॉस्पिटल यार खोल के रखो इसको। अहिंसा खंड 2 में ऋषभ क्लाउड 9 सोसाइटी की एक घटना है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को 16 साल की लड़की मोनिशा अपने फ्लैट की बालकनी पर खड़ी होकर मोबाइल से रील बना रही थी। तभी उसके हाथ से मोबाइल फिसल गया और वो उसे पकड़ने की कोशिश में बालकनी से नीचे गिर गई। हादसे की खबर लगते ही मोनिशा की माँ तेजी से घटना स्थल पर रोते हुए पहुंची। वो अपनी बेटी से बेहद गुस्सा थी। अरे खोल दो यार। अरे भाई साहब खोल ले, रुक जाओ जरा, खोल ले। पलंग से खुलेगी, पलंग से खुलेगी, पलंग से ले लो यार। मोनिशा दर्द से बुरी तरह तड़प रही थी। स्थानीय लोगों की मदद से उसे गाड़ी में रखकर निजी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया के दौर में मशहूर होने के लिए रील बनाने की होड़ है। कभी कभी लोग सारी हदें पार कर जाते हैं, ये जानते हुए भी की जान को खतरा हो सकता है। बार बार हो रही घटनाओं से भी लोग सबक नहीं सीख रहे, जिससे कई युवा अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। स्कूली भी खतरनाक रील बनाने में पीछे नहीं है। गाजियाबाद की घटना फिर से एक चेतावनी दे रही है। शासन प्रशासन कई बार गाइडलाइन भी जारी कर चुका है, लेकिन जानलेवा रील बनाने का सिलसिला थम नहीं रहा है, जो बेहद ही चिंताजनक है। गाजियाबाद से न्यूज 18 के लिए अमित राणा की रिपोर्ट।
रील बनाने की सनक की दो और तस्वीरें गाजियाबाद और बिजनौर से सामने आई हैं, जहां पर युवा हादसे का शिकार हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया में रील बनाने की कोशिश में स्टंटबाजी भी धड़ल्ले से हो रही है। रील की यही सनक दो लड़कों को इतनी भारी पड़ी कि अब दोनों अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। बिजनौर की सड़क पर ये बाइक को दौड़ा रहे थे, लेकिन रील बनाने के दौरान एक तेज रफ्तार कार पीछे से आई और बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। दोनों गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बिजनौर नजीबाबाद रोड पर यह हादसा हुआ। ये लड़के ड्रोन कैमरे से रील बनाने पहुंचे थे, लेकिन एक हादसे ने दोनों को अस्पताल पहुंचा दिया। एक बाइक पर तीन लड़के सवार थे, वीडियो शूट हो रहा था। बाइक तेजी से दौड़ रही थी। हाईवे पर एक कैंटर खड़ा था, बाइक चला रहा लड़का उस पर नियंत्रण नहीं रख पाया, जिससे बाइक सीधे टैंकर से टकरा गई। हादसे के बाद बाइक के परखच्चे उड़ गए। तीनों लड़के बुरी तरह घायल हो गए, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मसूरी थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 9 की यह घटना है। ग्रिल बनारी सिर पर चढ़कर बोल रही है, यहाँ नाबालिग लड़के खतरनाक स्टंटबाजी को अंजाम दे रहे हैं। इसमें गाड़ी को कई फीट ऊपर उछाला गया। हैरत की बात यह है कि स्टंट कर रहे लड़के की उम्र महज 11 साल बताई जा रही है। जेवर थाना इलाके का ये वीडियो बताया जा रहा है। अभी 10 दिन पहले महाराष्ट्र के सतारा से एक वीडियो सामने आया था, जिसमें एक लड़की खाई में गिर गई थी और बाद में उसे रस्सी के सहारे बचाया गया। इस हादसे में भी वो बाल बाल बची थी, लेकिन उसे गंभीर चोटें आईं। लड़की अपने दोस्तों के साथ एडवेंचर के लिए पहाड़ों पर चढ़ी, लेकिन बारिश के मौसम में वहां जाना जान पर भारी पड़ गया। लड़की सेल्फी ले रही थी, तभी वो फिसलते हुए करीब 150 फीट गहरी खाई में जा गिरी। वहीं जून के महीने में महाराष्ट्र से ही एक दर्दनाक हादसा सामने आया था। संभाजी नगर में एक लड़की को रील बनाने के चक्कर में अपनी जान गंवानी पड़ी थी। लड़की कार में बैठी थी, उसका दोस्त वीडियो बना रहा था, लेकिन गलती से एक्सीलेटर दब गया और कार पीछे की तरफ जाते हुए खाई में जा गिरी। एडवेंचर के नाम पर कई लोग खतरे को देखते हुए भी अनजान बन जाते हैं, और यही लापरवाही कभी भी जिंदगी पर भारी पड़ जाती है। पाकिस्तानी महिला से शादी करने वाले राजस्थान के शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तानी महिला का शौहर गिरफ्तार। पहली बीवी ने दर्ज कराया था मुकदमा। कुवैत से जयपुर लौटते ही धरा गया रहमान। बीवी ने अपने शौहर पर भादरा थाने में केस दर्ज करवाया, और जैसे ही आरोपी कुवैत से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचता है, वैसे ही दहेज उत्पीड़न का आरोपी रहमान को हनुमानगढ़ पुलिस ने धर दबोचा। दरअसल चूरू के रहने वाले रहमान पर उसकी बीवी फरीदा बानो ने 3 तलाक और दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया था। रहमान पर आरोप है कि उसने अपनी पहली पत्नी को मोबाइल पर 3 तलाक दिया और दहेज के लिए प्रताड़ित किया। तो इसमें ये बात सामने आई है कि पति पत्नी के बीच में मनमुटाव था इनका, और जब ये कुवैत विदेश में रहता था, इन दौरान इसने सोशल मीडिया पे महविस नाम की कोई महिला है जो पाकिस्तान की रहने वाली है, उसके साथ इसने निकाह किया है, ऐसा इसमें इन्होंने अवगत करवाया है। अब आपको बताते हैं इस मामले में नौबत क्यों आई और कैसे आई। दरअसल हनुमानगढ़ के भादरा इलाके की रहने वाली फरीदा बानो का निकाह 17 मार्च 2011 को चूरू के पीटीसर के रहने वाले रहमान खान के साथ हुआ था।
रहमान इसके बाद कुवैत चला गया और वहां ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय शुरू कर दिया। महिला ने रिपोर्ट में बताया कि बिजनेस के लिए रहमान ने अपने पीहर कॉल करके मदद मांगी थी। इसके बाद उसने अपने भाभी और परिवार की ज्वेलरी बेच दी और इस पैसे को अपने पति को दे दिए। करीब एक साल पहले रहमान ने पाकिस्तानी महिला से शादी करने के बारे में पता चला तो मैंने इसका विरोध किया। रहमान के घर वाले फरीदा को दहेज की मांग पर प्रताड़ित करने लगे। इससे परेशान होकर फरीदा भादरा पीहर में आकर रहने लगी। इसी दौरान रहमान ने कहा, मैंने दूसरा निकाह पाकिस्तान की लड़की महविश के साथ कर लिया है। फरीदा ने रिपोर्ट में बताया कि महविश जब टूरिस्ट वीजा पर रहमान के गांव पहुंची तो ये कंफर्म हो गया। इसके बाद फरीदा ने भादरा थाने में पति पर मोबाइल पर 3 तलाक देने और रहमान और उसके परिवार पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का मामला दर्ज करवाया। वो इसके गांव पिथीसर में होना मालूम हुआ है, वो टूरिस्ट वीजा पे है, 45 डेज के लिए बताया है। अभी इसके बारे में और गहराई से इससे पूछताछ की जाएगी। इधर रहमान की पाकिस्तानी पत्नी टूरिस्ट वीजा पर चूरू आई है। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में उससे भी पूछताछ की जाएगी। उधर पत्नी का कहना है कि उसने अपने पति को गहने बेचकर विदेश में बिजनेस खुलवाया, लेकिन वो बेवफा निकला। फिलहाल इस मामले में पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। न्यूज 18 के लिए राजू रामगढ़िया की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बालाघाट से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक फुटवेयर शॉप मालिक और ग्राहक के बीच में 11 साल तक जंग चली। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जूता एक जंग, पैसे दो जूते लो। 600 रुपए का शूज, 11 साल तक लड़ाई। सोल निकला, ग्राहक का माथा ठनका। ग्राहक दुकानदार में तू तू मैं। बालाघाट में इंसाफ की अजब कहानी। पूर्ण न्याय मिला और मैं न्याय से बहुत संतुष्ट हूँ। अजब कहानी है जूते की और गजब कहानी है जूते की जंग की। 600 रुपए के जूते के लिए 11 साल तक बालाघाट के शिवराज ठाकरे के अदालत के चक्कर लगाते लगाते चाहे जूते घिस गए हों, लेकिन अपने हक में इंसाफ लेकर ही माने। तो भाई, जूता एक जंग की ये कहानी है क्या? सुनिए इंसाफ की अजब लड़ाई। बालाघाट के शिवराज ठाकरे ने 2013 में सुभाष चौक में फुटवेयर की शॉप से 600 रुपए का जूता खरीदा, लेकिन 2 दिन बाद जूते का सोल ही निकल गया। तो जाहिर सी बात थी, किसी का भी माथा ठनकेगा। ये मामला सर 2013 का था। ज्योति फुटवेयर के खिलाफ में मैंने जो है वो उनसे जूता खरीदा था, मैंने सेफ्टी कंपनी का। कितने का खरीदा? 600 रुपए का जी। और वो ISO मार्क था उसका, ट्रेड मार्क, अच्छी गुणवत्ता का। लेकिन मैंने जब खरीदा उसके 2 दिन बाद उसका सोल जो है अलग हो गया। अब ठाकरे साहब सोल निकला जूता लेकर पहुंच गए दुकानदार के पास, लेकिन दुकानदार भी अपने टेंशन में था। शूज बेचते वक्त तो सारे वायदे किए, लेकिन शूज बदलने के वक्त आना कानी। ऊपर से उसी कंपनी का दूसरा जूता खरीदने और रुपए मांगने लगे। शूज पर तकरार हुई, बात जूते से सीधे फरियादी के सम्मान तक पहुंच गई। दुकानदार ने भी कह दिया, जाओ उपभोक्ता फोरम, जूते ना घिस जाए तो कहना। तो मैं गया दुकान में, अपना पक्ष रखा मैंने कि भाई ये दुकान मतलब जो जूतों में जो प्रॉब्लम आ गया। तो उन्होंने मुझे हरासमेंट किया, परेशान किया कि बोले नहीं, बोले हमारी कोई जवाबदारी नहीं। मैंने कहा भाई इसको ISO जो है ट्रेडमार्क दिया है भारतीय मानक ब्यूरो ने उसका गुणवत्ता के लिए, तो कहीं ना कहीं आप जो है कंपनी से आप बात करिए। तो नहीं बोले, यदि आप पीस टू पीस यदि एक्शन करते हैं तो उस पर आपको पैसे लगेंगे। मैंने कहा किस बात के पैसे, 2 दिन तो हुए मैं आपसे जूते खरीदा हूँ। 600 रुपए का जूता, सोचिए जरा कितने दिन चलता। लेकिन 600 रुपए के शूज की जंग उपभोक्ता फोरम में 11 साल चली।
बालाघाट उपभोक्ता फोरम में फरियादी शिवराज ठाकरे को 2 महीने की लड़ाई में मामूली मुआवजा मिला, इसे फरियादी नहीं माना, उसने इस प्रकरण की अपील राज्य उपभोक्ता फोरम भोपाल में कर दी। तो उन्होंने उपभोक्ता फोरम को भी चैलेंज की, बोले ऐसे बहुत ग्राहक आते हैं, बोले उपभोक्ता फोरम क्या कर लेगा, बोले 2000 रुपए लगते हैं, बोले पहले बोले। तो मैंने कहा भाई अब लेन देन की बात रही, आप मेरी औकात पे भी बात कर रहे हैं कि मैं 2000 रुपए खर्च करने लायक नहीं हूँ क्या। मुझे जो है मेरे स्वाभिमान और मेरे आत्मसम्मान को जो है काफी उन्हें जो है चोट पहुँचा है। अब बालाघाट से भोपाल जाने का किराया, ठहरने रुकने में कितना खर्च हुआ होगा, लेकिन फरियादी ने हार नहीं मानी। 600 रुपए जूते की मूल राशि के अलावा 6% वार्षिक ब्याज, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के लिए 1000 और अपील क्षति के लिए 1 रुपए यानी कुल 3040 रुपए का आदेश पारित हुआ। मुझे भले पैसे कम मिले, देर से मुझे जो है न्याय मिला, लेकिन न्याय मिला। अजब एमपी में इंसाफ का ये गजब मामला, ये भी तो कह रहा है जागो ग्राहक जागो।